आजादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे बढ़ गए, जो देश हमारे बाद जन्मे थे वो हमें पीछे छोड़ गए। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है, 20% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है, या पीने का पानी नहीं, हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते, लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठाकर समाज में जागृति पैदा करके, क्या सब लोगों को जुटा कर, ये तो ऐसा काम है जिसमें कोई दलबंदी के लिए स्थान नहीं। हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते, देश में साधनों की कमी नहीं, और साधनों की अगर कमी है तो उसको ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन जो साधन हैं उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा। जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, आम आदमी तक नहीं पहुंचता, कहां जाता है, किसकी जेब भरी जाती है, किसकी तिजोरी में वो रकम जाती है, विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। हम विदेशी पूंजी के लिए प्रयत्नशील हैं, विदेशी पूंजी आए, और अगर विदेशी पूंजी आती है अच्छे ढंग की टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं करेंगे, लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है, भास्कर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। रुपया घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है, रुपए को पहचानना मुश्किल है, रुपया अंतर ध्यान हो सकता है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है, उसको बिना कम किए, और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए, कोई एक दल ये काम नहीं कर सकता। हां, हमारे पुराने प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते तो सफल होते। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बीएन राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। क्या सांझ है ममता बनर्जी और सोमनाथ चटर्जी में?
मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंडी महिलाओं के सम्मान का सौदा करके नारायण दत्त तिवारी मुलायम सिंह की बदल में क्यों बैठे? आपके हितों की अनदेखी करते करुणानिधि ने देवे गावड़े को नेता क्यों स्वीकार किया? अपने घरों की पीड़ा भूले? मुझे वो दृश्य जस का तस याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मैं राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी थी, इसी सदन में नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था। मैं वहां से बैठी देख रही थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता जी को लाया गया था, यहीं बैठी थी वो, चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थी। बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल ओढ़े, वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति को कोस रही थी। मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं, लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं, हम उनके विरोध के अधिकार को स्वीकृति देते हैं, हम उनकी आवाज को गैर करने के लिए उन पर हमला नहीं करते। इसलिए पूछना चाहती हूँ ममता जी से आज, कई सदन में सीपीएम के साथ बैठकर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीति करेंगी, ये कैसी सांझ है ममता जी, ये कैसा गठबंधन?